हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सर आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की है, इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, सारी चीजों को बहुत विधिवत करने वाले हैं। तो सेशन में जुड़े रहेंगे हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ में हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराने वाले हैं सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ये जो हमें आप पीछे देख रहे हैं ये है मंथन, मंथन ज्ञान के समंदर का, रोज शाम को 4 बजे जुड़ सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि यहां पर आपको अलाइड साइंस का बहुत अच्छा सलूशन मिलने वाला है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में जो ये सब्जेक्ट आते हैं इनकी बात कर रहे हैं, कौन से क्रॉप फिजियोलॉजी हो जाए या फिर हमारा मेटीरियोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैक कल्चर, इनके सारे क्वेश्चन रोज आपको मिलने वाले हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो रोज आप जुड़ भी सकते हैं इसके साथ में। अगर हम लोग बात करते हैं अपने ऐप की, तो दोस्त इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का फ्री क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सर इसकी PDF कहां मिलेगी? बिल्कुल, इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे, कैसे लेना है हम आपको लास्ट तक सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है, जुड़े रहेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, करने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो 2021 में आएगी। इससे क्वेश्चन तुम देखना, हर साल हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि कहां पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, कहां पर फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज ज्यादा है, कहां पर कम हो गया है, या कहां पर परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है। सारी जानकारी हम लोग इसमें करने वाले हैं। 2021 की जो रिपोर्ट है ये कुछ खास हो जाती है, क्यों खास है ये भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें टाइगर का जो असेसमेंट है वो भी इंक्लूड कर दिया गया, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इस रिपोर्ट की सारी जानकारियों को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से सेशन को हम लोग लाइक कर देंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फॉरेस्ट की। सर फॉरेस्ट है क्या? तो दोस्त हम भी जानते हैं फॉरेस्ट कहने के लिए एक डिफिनीशन होनी चाहिए जिसको हम लोग फॉरेस्ट कह पाए। जैसे हम लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं या रोड पे जाते हैं, तुम्हें बहुत सारी जगह पेड़ दिख जाएंगे, क्या उनको फॉरेस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको फॉरेस्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? उसके पीछे क्राइटेरिया लगा हुआ है, उस क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं। चलिए पहले छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। ये जो हमारी रिपोर्ट है ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है, और ये हमारी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो कौन करता है, ये बड़ी बात है। ये रिपोर्ट को जो बनाने का काम है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने हर 2 साल में एक भारत के अंदर जो असेसमेंट, एक आंकड़ा बताया कि कहां पर कितने फॉरेस्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की जानकारी रहे कि आखिर कहां पर बढ़ रहा है और कहां पर घट रहा है, कहां पर परसेंटेज वाइज ज्यादा है, इन सब चीजों की जानकारी हमको मिलती है। सबसे पहली बार 1987 में ही आती है। चलिए एक एक करके सारी चीजों की बात कर लेते हैं। रिकमेंड भी करता है कि कितना फॉरेस्ट एरिया हमारा होना चाहिए, तो रिकमेंडेशन तो सबको पता ही होगा 33% होना चाहिए। उसमें भी दोस्त ये याद रखेंगे कि हिली एरिया में 60% और जो प्लेन एरिया है यहां पर 20% होना चाहिए। अगर हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट हमारी 2021 की है, कोविड के कारण थोड़ी सी लेट हो गई थी और 2022 में पब्लिश हो पाई थी। अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज है इसको रिलीज करने का काम करता है। इन दोनों चीजों में अंतर है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये हमारी जो बाइनियल रिपोर्ट है ये हमारी जो FSI है उसके द्वारा हमारी बनाई जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। ये हमारी बाइनियल रिपोर्ट के बारे में छोटी सी एक जानकारी और, कि जो असेसमेंट इस बार किया गया है, इस बार टाइगर रिजर्व्स का भी क्या दोस्त इसमें असेसमेंट किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड फॉरेस्ट, किसे फॉरेस्ट कहेंगे, तो एरिया, इसका एरिया मिनिमम दोस्त कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए, और कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10% से ज्यादा होनी चाहिए, तब उसे आप क्या बोलोगे, फॉरेस्ट बोलोगे, अदरवाइज इसे फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हैं। तो उसे फिर क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ट्री कवर। क्या बोलेंगे? ट्री कवर। चलो एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। सर एरिया की बात तो समझ में आती है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है यानी उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप फॉरेस्ट बोल दोगे, लेकिन एक कैनोपी डेंसिटी क्या है इसके बारे में कुछ और समझाइए। बिल्कुल, आपको बताते हैं कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। जैसे आप कभी ऊपर जाइए, ऊपर से प्लेन से जब आप देखते हैं, देखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक व्यू दिख रहा होता है। सर ये व्यू किस चीज का है? ये व्यू आप जंगलों में
में देख सकते हैं, मतलब कि आप जब ऊपर से देखते हो कैनोपीज को देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि आप अंदर उसके झांक पा रहे हैं कि नहीं झांक पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं। ये जितना घना होगा यानी कैनोपी डेंसिटी, डेंसिटी जिसको घनापन बोलते हैं, वो उतना ज्यादा होगा, और अगर कम है तो हम उसे बोल देंगे कम डेंस है। यही डेंसिटी जो ऊपर से देखने पे आपको समझ में आ रही है, ये 10% से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसे फॉरेस्ट बोल पाओगे जब तक उसमें 10% से ज्यादा नहीं है। ऐसे नीचे से आप देखेंगे तो इस प्रकार का एक व्यू सामने से दिखता है। ये तरीके होते हैं क्या कैनोपी डेंसिटी देखने के। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैनोपी डेंसिटी को। अगर हम लोग इस प्लांट को देखते हैं जिसमें प्लांट दूर दूर लगे हुए हैं, एक प्लांट है जिसमें और पास पास लगे हुए हैं, और एक प्लांट है जो और ज्यादा पास पास लगे हैं, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कैनोपी डेंसिटी किसमें ज्यादा है, एक दो या फिर तीन। जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है कि कैनोपी डेंसिटी दोस्त कहां पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां पर है, और यहां पर उससे कम है, और यहां पर सबसे कम है। ऐसे समझ सकते हैं कैनोपी डेंसिटी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में कुछ की फाइंडिंग्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी बात करते हैं। फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कुछ अच्छी अच्छी बातें थी, उनके बारे में बात करते हैं, जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट और ट्री कवर, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के हमारे यहां पर 24.62% है, जो हमारी पूरी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो बेटा याद रखेंगे 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हमारा कितना है 21.71% है जियोग्राफिकल एरिया का। वहीं अगर हम लोग ट्री कवर की बात करोगे तो 2.91% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कंट्री के। ये दोनों चीजों को जोड़ दोगे बराबर ही आएगा जो डाटा यहां पर लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है टोटल जो एरिया है उसका कितना है, तो 24.62% आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, कंपेयर करके एक बार देखते हैं 2019 के डाटा से। 2019 का जो डाटा आया था उससे जब कंपेयर करेंगे कुछ अच्छी अच्छी फाइंडिंग्स मिलेंगी, मतलब आपको यह समझ में आएगा क्या पिछली बार से इस बार इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। चलिए पहले हम बता देते हैं इंक्रीज हुआ है, और वो भी क्या है दोस्त, 0.28% ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पुट टुगेदर एट द नेशनल लेवल, पहली बात। दूसरा, जिसमें फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो कितना हुआ 0.22%, और वहीं ट्री कवर की बात करोगे तो 0.76% इंक्रीज हुआ है। आप देखते भी होंगे बहुत सारे मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि फॉरेस्ट कवर को या ट्री कवर को इतने प्लांटेशन करने, लाख प्लांटेशन, 10 लाख का प्लांटेशन एक टारगेट लेके करते रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देखा गया है किसमें, फॉरेस्ट एरिया में कह सकते हैं या प्लांट में देखा गया है। चलिए कुछ और चीजें जो कुछ फाइंडिंग्स है उनकी बात करते हैं। कुछ फाइंडिंग्स में जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कैनोपी डेंसिटी आपको देखने पर समझ में आ रही होगी, यहां पर अच्छी खासी कैनोपी डेंसिटी है, यहां पर तो अंदर क्या अंधेरा सा रहता होगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने भारत के क्षेत्र में कहां कहां पर फॉरेस्ट, एक हमने मैप के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे इस एरिया में बहुत अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, और दूसरा जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है जिसको हम लोग सेवन सिस्टर और वन ब्रदर बोलते हैं दोस्त, यहां पर भी हमारा क्या है फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा है, यानी ये फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर हम लोग बात करते हैं वर्षा जहां ज्यादा होती है वहां पर फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा होते हैं। चलिए ये तो हमने एक मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, डेंसिटी के माध्यम से इनको बांटने का काम भी किया जाता है। कितने पार्ट में बढ़ते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है वेरी डेंस, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल है, यहां पर कैनोपी डेंसिटी जो अभी पीछे देख रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा घना था, मतलब बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल आपको रोशनी अंदर आती हुई नहीं दिखेगी, इतना ज्यादा उसकी कैनोपी क्या होंगी, ज्यादा फैली होंगी, उसको बोल सकते हैं हम लोग 70-100% यहां पर कैनोपी डेंसिटी होगी। दूसरा होता है मॉडरेट डेंस जिसमें 40-70% होगा। तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट जिसमें हमारा 10-40% होगा। और इसके बाद आते हैं श्रब्स, श्रब्स उसमें आएंगे जो हमारे 10% से भी कम हो जाएंगे। इनको हम लोग क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10% से ज्यादा वाले को तो हमने क्या बोला था, उसको तो हमने फॉरेस्ट बोला था, इसको हम फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। और नॉन फॉरेस्ट एरिया जो हमारा इस रिपोर्ट में कवर नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग एक बार देख के भी आराम से समझ में आ सकता है, वेरी डेंस जहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल है, मॉडरेट डेंस जहां पर हल्का हल्का सा क्या धूप आपको आती हुई दिख रही होगी, और ओपन फॉरेस्ट है यहां पर तो बहुत आराम से धूप, यहां पर अगर आप निकल के जाते हैं तो आपको काफी दिक्कतें होंगी, मतलब कि धूप आपको लग रही होगी।
सर ये एक और चीज है, ये क्या है? ये है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स दोस्त ये समझ लो, वाटर बॉडी के साथ में अगर कोई फॉरेस्ट है तो उसको हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स बोलते हैं। भारत में इसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम लोग बात करते हैं जिनको हमने फॉरेस्ट एरिया में नहीं जोड़ा है, वो इस वाले एरिया को बोल सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं। चलिए हम लोग अब कुछ छोटी छोटी सी और असेसमेंट है उनको देखते हैं। अगर हम लोग बताते हैं टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कंट्री की, जो नाउ स्प्रेड अक्रॉस द 80.9 मिलियन हेक्टेयर में दोस्त ये फैला हुआ है, या कह सकते हैं 24.62% जियोग्राफिकल एरिया में, दोनों एक ही बात है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी एक बार हमने दिखाने का प्रयास किया है कि हमारी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है। ट्री कवर में 0.76 हुई है, और वहीं जब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट कवर में वो हमारी 0.22 हुई है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाने का प्रयास किया है। चलिए आगे आते हैं, एरिया वाइज की बात करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्त कि हमारा फॉरेस्ट कहाँ कितना है। एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज को दोनों अलग अलग तरीके से देखेंगे। कैसे समझते हैं? जैसे आपके पास 100 रुपए थे और आपने 50 रुपए हमको दे दिए, बिल्कुल। और किसी दूसरे के पास में 500 रुपए थे और उसने 100 रुपए हमें दे दिए, दोनों में अंतर है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपने कितना परसेंट अपना धन दे दिया, मतलब आपने अगर बात करोगे तो 100 में से 50 रुपए दिए हैं, मतलब 50% धन हमें दे दिया। और किसी दूसरे ने एक्स ने कितना किया है, 500 में से दोस्त कितना दिया, 100 रुपए दिया, यानी 20% दिया है। बात अलग अलग हो सकती है, यानी रुपए तुमने जरूर कम दिए हैं लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा दिए हैं। एक्स ने रुपए ज्यादा दे दिए लेकिन परसेंटेज वाइज कम था। इसे ही हम लोग परसेंटेज वाइज आंकड़ा और एरिया वाइज आंकड़ा बोलते हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एरिया वाइज की। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट है जो हमारा कंट्री में है। सबसे पहले हमारा जो आता है वो हमारा मध्य प्रदेश आता है रैंक 1 पे, सेकेंड रैंक पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड रैंक पे हमारा छत्तीसगढ़, चौथी रैंक पे उड़ीसा और पांचवें पे महाराष्ट्र। सर हमको कौन सा याद करना है? आपको मात्र मात्र 1, 2 और 3 यही याद करनी है। बाकी तो हमने क्या आपको दे दिया है डाटा। अगर कोई बच्चा किसी याद करने की क्षमता है तो आप याद भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। दूसरा आता है टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज वाइज। अब परसेंटेज वाइज में आते हैं, टोटल एरिया का परसेंटेज वाइज, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मिजोरम। मिजोरम जिसके पास में 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश जिसके पास में जो है वो 79.33% है, मेघालय है, मेघालय के बाद मणिपुर, इसके बाद नागालैंड। एक चीज देख रहे हो, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है? ईस्टर्न साइड में है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जहां पर एरिया इंक्रीज किया है उसकी बात करते हैं। इंक्रीज में सबसे पहले जो आता है दोस्त वो है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। एपी से मत याद रखना, इट में आप कंफ्यूज हो जाएं अरुणाचल प्रदेश से, तो याद रखना आंध्रा, आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, जिसमें 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रैंक याद कर सकते हैं। सेकेंड पे तेलंगाना और थर्ड पे हमारा कौन है? उड़ीसा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे हम लोग बात करें अगर स्टेट वाइज लॉस इन फॉरेस्ट कवर, तो लॉस भी दोस्त कहां सबसे ज्यादा हो रहा है? जहां परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा था, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां पे सबसे नंबर एक पे आएगा कौन? अरुणाचल प्रदेश। और सेकेंड पे मणिपुर, और थर्ड रैंक पे आता है कौन? नागालैंड। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। आगे अगर हमसे पूछा जाए लीस्ट फॉरेस्ट कहां पर है, तो लीस्ट फॉरेस्ट याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा जो हमारा स्टेट है, जिसे हम लोग हरियाणा बोलते हैं, यहां पर सबसे कम जो है क्या है? फॉरेस्ट कवर है। वन विभाग हरियाणा बोलता भी वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, क्योंकि उसको पता है वहां पर क्या है, हरियाणा में बहुत कम है। अब हम लोग स्टेट वाइज एस्टिमेट करते हैं ट्री कवर का। तो ट्री कवर में मैक्सिमम ट्री कवर अगर आपसे पूछा जाए तो लगा के आएंगे महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर इसके बाद में आएगा क्या? मध्य प्रदेश। सबसे पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम ट्री कवर की परसेंटेज वाइज, जो जियोग्राफिकल एरिया है, मैक्सिमम ट्री कवर की परसेंटेज वाइज में ट्री कवर की बात करेंगे, तो सबसे पहले चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद केरला, और इसके बाद में गोवा आता है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं।
आगे हम लोग मैंग्रोव्स की बात करते हैं। मैंग्रोव्स का भी एरिया बढ़ता हुआ इंक्रीज किया गया है। कितना बड़ा है सर? मात्र 17 किलोमीटर। कितना बड़ा है? 17 किलोमीटर बड़ा है, लेकिन हम फिर भी इसको हम लोग काउंट करते हैं। इस समय अगर बात करोगे तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है एरिया है। अगर बात करें कितना इंक्रीज किया है तो मात्र 0.34% इंक्रीज किया है, लेकिन हाँ फिर भी असेसमेंट में अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज ही माना जाएगा, इसको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं सर, ये क्या है? बिल्कुल, ये हमारे मैंग्रोव एरिया है जहां पर इंक्रीज हुआ है। टॉप 3 स्टेट जहां पर हमारा इंक्रीज देखा गया है, सबसे पहले आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में हमारा आता है महाराष्ट्र, इसके बाद में आता है कर्नाटका। ठीक है, 8 किलोमीटर ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हुआ है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटका में 3। आप देख सकते हैं वाटर बॉडी के साथ में जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स बोलते हैं। अब आते हैं स्टेट विद द मैक्सिमम बम्बो बियरिंग एरिया। बम्बो बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है? तो याद रखेंगे बम्बो बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा मिजोरम में, मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश में। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हां हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो याद रखेंगे मिजोरम, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। अगर स्टेट वाइज मिनिमम बम्बो एरिया की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट में इस बार था। इसके बाद हम लोग कार्बन स्टॉक की बात करते हैं फॉरेस्ट में। कार्बन, कार्बन क्या होता है दोस्त? जो भी ये सब चीजें देख रहे हो, CO2 जो देखते हो, ये भी तो कार्बन ही तो है। इसके स्टॉक का मतलब है जो हमारा पूरा मिला के हम बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक की बात करो, देयर इज इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा ही, लेकिन मिलियन टन में आपका क्या है, इसमें कार्बन स्टॉक में भी इंक्रीज देखा गया है 2019 की रिपोर्ट के कंपेरिजन में, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम कार्बन स्टॉक की स्टेट वाइज, तो याद कर लेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है। सबसे ज्यादा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। वहीं हम लोग अगर मैक्सिमम कार्बन स्टॉक की बात करें स्टेट वाइज की जो हमारा है, तो पर हेक्टेयर की बात करते हैं, तो दोस्त हमारा सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और इसके बाद में अंडमान निकोबार आइसलैंड आता है। चलिए इस बार जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें एक और बड़ी चीज थी, वो क्या थी? फॉरेस्ट फायर की। फॉरेस्ट फायर तो आप जानते ही होंगे, जंगल की आग जो बहुत तेज फैलती है। चलिए इसकी बात करते हैं। फॉरेस्ट फायर की बात करो तो सबसे ज्यादा की बात करोगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़। इसकी बात करते हैं, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इस बार था वो था टाइगर का असेसमेंट एड हो जाना। टाइगर का असेसमेंट एड हो जाना एक बहुत बड़ी खूबी रही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर आपको डर नहीं लगता क्या? दोस्त डरते नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि टाइगर रिजर्व का नंबर की बात करोगे तो नंबर में महाराष्ट्र और साथ साथ में MP दोनों बराबर पे रहे, यानी दोनों में 6 है, दोनों में 6, याद रखेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व की एक्सटेंट एरिया, जिनका एरिया बढ़ा है, सबसे पहले नागार्जुन सागर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, साथ साथ में हमारा कौन सा है? मानस, अशंबाला और इंद्रावती छत्तीसगढ़ का। ये आपको याद रखना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, क्योंकि पहली बार हमारा टाइगर रिजर्व जो है इसमें आपका एड किया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइगर के नंबर्स के हिसाब से कौन सबसे आगे है, कौन सबसे पीछे है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, और आपका नागर होले हो गया, और बांदीपुर है, ये 3 हमारे आते हैं, इनको हम लोग इसमें याद रखते हैं। और नो टाइगर जोन में हमारा कौन सा आता है? एक डंपा और एक बक्सा आता है, ये भी याद रखिए, पता नहीं क्वेश्चन कहीं आपको मिल जाए। सर आपको PDF कहां मिलने वाली है? जो भी हमने आपको पढ़ाया है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी एज इट इज, यानी कि पूरी की पूरी आपकी ही है। कैसे आप पाएंगे? बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के या किसी जिसमें हमारा जो भी हमारी क्लासेस हैं उन वीडियो के नीचे जाना और मोर पे क्लिक करना। मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्त आपको कुछ ऐसे खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद में ये जो हमारी क्या है दोस्त PDF है, वो ऐप लिंक यहाँ पर लगी हुई है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। Adda247 के बाद में सुधांशु उमर लिखा होगा दोस्त, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। करने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है सिलेक्ट कर लेना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिटी सेक्शन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, सेकेंड आपका जो होगा वो आपका होगा कम्युनिटी। कम्युनिटी पे आ जाइए। कम्युनिटी पे आने के बाद में आपके सामने खुल जाएगा कुछ ऐसे,
ऐसे खोलने के बाद में आप जो है एक्सप्लोर ग्रुप पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एक्सप्लोर ग्रुप। एक्सप्लोर ग्रुप पे हम पीडीएफ यहां पर अप्लाई कर देते हैं, यहां पर ऐड कर देते हैं, जो भी हमारी पीडीएफ मैराथन की होती है या फिर हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको वहां पर मिल जाती है। तो दोस्त फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कभी भी कोई डाउट आता है तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और Adda 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाओ, तुम्हारा इंतजार है सिलेक्शन का। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन असली खुशी हमको भी होगी और आपको भी। Adda 24/7 का परिवार आपके साथ सदा बना हुआ है। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल।